फोन ले लो, आईफोन ले लो सर 10,000 में, आईफोन ले लो 12,000 में, आईफोन प्रो मैक्स ले लो सर 25,000 में। इस तरह के काफी सारे ऑफर्स आजकल आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर मिल रहे होंगे। काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जो इस तरह के एड्स दे रहे हैं, या मैं कहूँ काफी सारे चैनल्स ऐसे हैं इंस्टाग्राम पर एंड आपका टेलीग्राम पर जो इस तरह के एड्स देते हैं। काफी सारे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और काफी सारी जनता ऐसी है जो इस तरह के ऑफर्स में आ भी जाती है। सो दोस्तों, जानते हैं कि इतना सस्ता ये लोग दे कैसे रहे। जो प्रोडक्ट, जो आईफोन प्रो मैक्स, आईफोन 12 प्रो मैक्स जो आपको अराउंड 1,00,000 के प्लस का मिल रहा है, 1,75,000, 25,000, 50,000, इवन इसके ऊपर की रेंज का अगर जो फोन आपको मिल रहा है, वो लोग 15-15, 20-20, 30,000 रुपए में ये फोन कैसे आपको दे रहे हैं। जिस फोन की कॉस्ट 1,00,000 रुपए के अंदर है, वो ये 1,000 में कैसे दे रहे हैं। 5-5, 6-6 गुना कम कॉस्ट में ये कैसे आपको ये फोन प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी आपने सोचा। और सिर्फ फोन ही नहीं, काफी सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ये काफी सस्ते में देते हैं और कहते हैं कि सर ये प्रोडक्ट जो हम दे रहे हैं आपको विद प्रूफ बिल के साथ देंगे, गारंटेड। और जब ये चीज ये कहते हैं तो लोग बाग विश्वास भी कर लेते हैं, या जब विद प्रूफ दे रहे हैं, विद गारंटी दे रहे हैं, बिल देंगे विद कंपनी का, तो कुछ तो बात होगी। सो ऐसे ही एक पर्सन से हम लोगों ने बात करी और निकाला कि क्या ये एक्चुअली में कर रहे हैं। तो जब हमने इस पर्सन से बात करी तो हमने देखा, हमने इनसे कहा कि आईफोन के बारे में पता करा, तो इन्होंने प्राइस बताया, अपनी पूरी लिस्ट सेंड कर दी कि ये प्रोडक्ट आपको इतने पे मिलेगा। एंड इनसे जब हमने कहा कि सर क्या कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, क्योंकि जब कंपनी प्रोडक्ट देती है इवन कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन ये लोग देते हैं, अमेजोन से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो, काफी सारी ऐसी साइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं तो ये आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम है, किस चीज के चलते हुए ये लोग कैश ऑन डिलीवरी के लिए मना करते हैं। हमने इनसे बात करी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको कैश पहले ही देना पड़ेगा, आपको पे पहले ही करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि क्या असलियत है इन सब के पीछे, क्यों ये लोग इस तरीके से बेच रहे हैं और कैसे ये लोग इतना सस्ता बेच पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कई बार कार्डेड प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर आप आजकल YouTube देखते हैं, Facebook देखते हैं, और अगर टेक्नोलॉजी से थोड़े से भी जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कार्डेड प्रोडक्ट्स होते क्या है। चलो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कार्डेड प्रोडक्ट्स एक्चुअली है क्या। आपने देखा होगा कई बार कि ऑनलाइन फॉर्जरी होती है, लाइक डेटा चोरी हो गया, किसी साइट से हैक हो गया, डेटा चोरी कर लेते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं, किसी की कार्ड की डिटेल चोरी कर ली, किसी के कार्ड, आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं मेरे अकाउंट से रुपए निकल गए, ठीक है। तो काफी सारे जो लोग, काफी सारे हैकर्स क्या करते हैं, इन डिटेल्स को यूज करके इस तरह के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं, साथ ही साथ इन डिटेल्स को मार्केट में सेल कर देते हैं ब्लैक मार्केट के अंदर। और जो इस तरीके के लोग होते हैं, इन प्रोडक्ट्स को उन कार्ड से ऑर्डर करते हैं जो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, मतलब पैसा किसी और का और प्रोडक्ट परचेस करते हैं ये लोग। तो इन प्रोडक्ट्स को इसलिए कार्डेड प्रोडक्ट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एंड मोस्टली केसेस में इस तरह के लोग आपको प्रोडक्ट पहुंचाते ही नहीं है, डिलीवर ही नहीं करते। दोस्तों, अगर किसी और के कार्ड से कोई चीज परचेस करी जा रही है, अगर आपकी नॉलेज के बिना अगर आपके कार्ड से कोई परचेस कर रहा है, तो क्या वो सही है या गलत है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इस चीज को। डेफिनेटली ये गलत है, इलीगल है, एंड इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इसके खिलाफ काफी केस है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट मिलता है और वो आपको सेल करने के लिए कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपने उन्हें तुरंत मना करना है और उनके अकाउंट की आपने कंप्लेंट करनी है।